वेलकम टू द वीडियो ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कब सेक्शन। ए बॉय हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु हैज कंप्लीटेड 5 बट नॉट 10 इयर्स ऑफ एज इज एलिजिबल टू बिकम ए कब प्रोवाइडेड ही सब्सक्राइब्स टू द कब प्रॉमिस एंड टू कब लॉ एंड बिकम्स ए मेंबर ऑफ ए कब पैक। एक बालक जो कि भारतीय नागरिक हो, जिसकी आयु 5 वर्ष हो गई हो परंतु 10 वर्ष पूरे न हो, वह कब या शेर का बच्चा कहलाता है। कब को स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रवेश की परीक्षा पास करनी होती है। ही विल वर्क फॉर 3 मंथ्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कब मास्टर बिफोर इन्वेस्टिचर एज कब। ही देन मेक्स कब प्रॉमिस टू द कब मास्टर एंड इज इन्वेस्टेड एज ए कब। ही इज एलिजिबल टू वेयर कब यूनिफॉर्म एंड मेंबरशिप बैज। ए प्रवेश कब इज एलिजिबल टू बिकम ए प्रथम चरण कब। ही विल वर्क फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स टू क्वालिफाई फॉर प्रथम चरण बैज। ए प्रथम चरण कब विल वर्क फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स टू क्वालिफाई फॉर द्वितीय चरण। ए द्वितीय चरण कब विल वर्क फॉर एटलीस्ट 9 मंथ्स टू क्वालिफाई फॉर तृतीय चरण। ए तृतीय चरण कब विल वर्क फॉर एटलीस्ट 9 मंथ्स टू क्वालिफाई फॉर चतुर्थ चरण। ए चतुर्थ चरण कब मे बी अवार्डेड ए स्पेशल बैज कॉल्ड गोल्डन एरो बिफोर कंप्लीटिंग 10 इयर्स ऑफ एज। बच्चों यह देखिए, मेरे पास एक बच्चे का लॉग बुक है, कब लॉग बुक। ये देखिए, इस तरह एक कॉपी आपको लेना है। यहाँ पे देखिए रस्सी बंधा हुआ है, जो प्रैक्टिकल कॉपी होता है साइंस का, ये बच्चा वही लिया है। इसमें इस तरह रस्सी बांधा गया है। देखिए इस तरह कवर पेज होगा, देख लीजिए इसको। इस तरह लिखेंगे अपना नाम, स्काउट गाइड का लोगो लगाएंगे और इसमें आपका नाम, फोटो, आपका बायोडाटा भरेंगे। फिर शुरू होगा प्रवेश। इस तरह आप इसको लिखेंगे। और ये देखिए मेरे पास और छोटे छोटे कॉपी है। पहले इसको देख लेते हैं, ये लॉग बुक देखिए। एक कब ने बनाया है इसको, तो आप इसको देख के कुछ सीख सकते हैं और इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में व्हाइट पेज है, वहाँ पे फोटो चिपकाना है। कुछ फोटो चिपका सकते हैं और सुंदर से इसको सजा सकते हैं। देखिए ये बच्चा कितना मेहनत किया है। अब आया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का एक्टिविटी को इसने लिखा है, फोटो भी चिपकाया। ये देखिए, यहाँ पे आप फोटो चिपका सकते हैं। तृतीय चरण, ये तृतीय चरण का एक्टिविटी है। कलर पेन, स्केच पेन, ये सब भी यूज कर सकते हैं आप। चतुर्थ चरण, फिर चतुर्थ चरण में जो जो किए उसको यहाँ पे चिपकाए हैं और लिखे हैं उसको। देखिए अपना फोटो भी लगा दिया है ये, और इस तरह आपको अपना लॉग बुक बनाना है। ये उनको एक सर्टिफिकेट मिला था। योगा एक्टिविटी किया है और उसका फोटो भी लगा दिया है यहाँ पे। इस तरह आप लॉग बुक बनाएंगे। इसके साथ आपको और इस तरह का कॉपी बनाना है, इसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी बैज। ये प्रोफिशिएंसी बैज कॉपी है, इसने 6 प्रोफिशिएंसी बैज का कॉपी बनाया है। ये देख लीजिए इस तरह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इस लॉगबुक में उन्होंने क्या क्या लिखे हैं।
इस तरह आप एक लॉग बुक बनाएंगे। ये उसका कवर पेज है, इस तरह लिखेंगे और उसमें नेम ऑफ द कप, नेम ऑफ सिक्स, नेम ऑफ पैक, नेम ऑफ यूनिट, ये सब लिखेंगे। अब दूसरा पेज देखिए, इसमें रहेगा बायोडाटा, जिसमें आपका एक फ़ोटो रहेगा, देन योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम ऑफ पैक, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनर। इस तरह पासिंग प्रवेश का डेट, सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनर, इन्वेस्टिचर का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इन सब का डेट्स, सर्टिफिकेट नंबर एंड नेम ऑफ एग्जामिनर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी बैज अचीवमेंट, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बैज, ग्रुप, डेट ऑफ पासिंग, नेम ऑफ एग्ज़ाम। आपको जब प्रोफिशिएंसी बैज मिलेगा तभी आप उसका डिटेल यहाँ पे लिखते जाएंगे। अभी आइए देखते हैं प्रवेश, इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है। प्रवेश रिक्वायरमेंट्स, बी एबल टू टेल द फर्स्ट जंगल स्टोरी, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कब लॉ, कब मोटो, कब प्रॉमिस एंड कब ग्रीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेट करेक्टली कब सैल्यूट एंड लेफ्ट हैंड से, ऑफर डेली प्रेयर्स एज टोल्ड बाय पेरेंट्स, डू ए डेली गुड टर्न एट होम एंड बी एबल टू सिंग कब प्रेयर। प्रवेश की परीक्षा पास करने के लिए आपको जंगल स्टोरी जानना पड़ेगा। रडयार्ड किपलिंग रोट दिस स्टोरी अबाउट मोगली इन द जंगल बुक। लॉर्ड बेडन पावल, द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, डिसाइडेड टू मेक मोगली स्टोरी द बेसिस ऑफ द वुल्फ कब प्रोग्राम। ही बिलीव दैट बेसिक ट्रूथ कैन बेस्ट बी टॉट थ्रू द स्टोरीज। वंस अपन ए टाइम फार अवे इन इंडिया, ए ग्रेट बिग टाइगर वॉज प्रॉलिंग अबाउट इन द जंगल ट्राइंग टू फाइंड फूड। भारत के मध्य में स्थित एक प्रदेश है जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक सियोनी नाम का एक हरा भरा जंगल है जिसमें बैन गंगा नामक नदी बहती है। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। किसी समय यहाँ सभी जानवर बड़े सुख और प्रेम के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। इस जंगल में एक शेर रहता था, वह दिन भर भूखा रहता था और अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के नियमों की अवहेलना करते हुए रात्रि के समय पालतू पशुओं को अपना शिकार बनाता था और कभी कभी तो वह आदमियों पर भी वार कर देता था। एक बार की बात है, एक लकड़हारा रात में आराम कर रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। रात को जंगली जानवरों से रक्षा के लिए उसने आग जलाई। अवसर पाकर शेर वहाँ आया। He came to a place where a woodcutter and his family were living in a hut. He thought to get hold of the family for supper, so he slowly and quietly moved closer to the campfire without being noticed. But in looking at his prey, he put his paw on the hot ashes. This pain made him howl, which roused the campers, and he had to go away without food. उसने उस बच्चे को दोनों के बीच में से उठाना चाहा, परंतु जैसे ही वह पास में आया तो उसका पंजा उस आग के ऊपर पड़ गया और वह जल गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। वह शेर दहाड़ने लगा और उसकी दहाड़ को सुनकर लकड़हारा एवं उसकी पत्नी जाग गए और शेर देखकर जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। उनको यह याद नहीं रहा कि उनके साथ उनका बच्चा भी था। शेर वहाँ से बिना शिकार किए ही जंगल में दूर चला गया। बेचारा बच्चा वहाँ रह गया और पास की झाड़ियों में जा छुपा। वन स्मॉल बॉय रन ऑफ इन टू द बुशेज टू हाइड। ए जैकल तबाकी वॉज स्नेरिंग देयर। द जैकल वॉज लेजी टू हंट फॉर हिमसेल्फ बट पिक्ड अप स्क्रैप्स लेफ्ट बाय अदर्स। उन झाड़ियों में एक गीदड़ घूम रहा था। गीदड़ एक कायर व चालाक जानवर होता है, वह चुगलखोर होता है। गीदड़ अपना शिकार खुद नहीं करता बल्कि दूसरों द्वारा किए गए शिकार के बचे कुचे भाग से गुजारा करता है। एक गुफा में एक भेड़िया अपनी मादा भेड़िया व चार भूरे बच्चों के साथ रहता था। उस भेड़िया का नाम अकेला तथा उसकी मादा का नाम रक्षा था। सडनली ए शेडो क्रॉस्ड द ओपनिंग ऑफ द केव where father wolf and mother wolf lay sleeping with their four young cubs.
Good hunting, O chief of the wolves. Good luck to your children, father owl told. There is no food here, but come if you wish. For a poor animal like me, even a dry bone is a feast. Tabaki was always ready to create trouble and talk about others. Sher Khan, the mighty tiger, had changed hunting ground and he will hunt in these hills till the next moon. Father Wolf said, by the law of jungle, he has no right to change his hunting ground. गीदड़ ने भेड़िये को नमस्कार किया और कहा, जनाब, मैं आपके बच्चों के लिए एक अच्छे शिकार की खबर लाया हूँ। आज शिकार कर लीजिए, वरना शेर खान आ जाएगा, क्योंकि उसने अपने शिकार की जगह बदल दी है। भेड़िये ने कहा, जंगल के नियम के अनुसार उसे अपने शिकार को बदलने का अधिकार नहीं है। उसने मीलों तक जानवरों का सफाया कर दिया है। भेड़िया से यह सुनकर तबाकी वहाँ से चला गया और शेर खान से जाकर शिकायत की कि तुम्हारा शिकार भेड़िया करने गया है। जस्ट देन देयर वॉज ए होल फ्रॉम शेर खान। मदर वुल्फ रक्षा सेड, ही हैज मिस्ड, व्हाट हैपेंड? फादर वुल्फ अकेला रैन आउट ए फ्यू पेसेस एंड लुक डाउन वेयर देयर वेर सेवरल हट्स ऑफ वुड कटर्स। ही सेड, शेर खान हैड नो मोर सेंस, ही हैज बर्न्ड हिज फीट एट द वुड कटर्स फायर। Tabaki is with him. Listen, something is coming from the hills. Get ready. Man, a man's cub. Bring him to me. Father Wolf went there and picked him up gently in his mouth as a dog does a puppy and carried him into his cave close by and put him down beside Mother Wolf. मादा भेड़िया ने उस लकड़हारे के बच्चे को जैसे ही देखा तो उसे वह बहुत प्यारा लगा और उसने भेड़िया से कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। द जैकल केम टू द टाइगर शेर खान एंड सेड टू हिम, मिस्टर टाइगर, आई नो वेयर दैट स्मॉल बॉय हैज गॉन। नाउ इफ यू विल किल हिम, यू माइट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ हिम टू ईट एज ए रिवार्ड फॉर माई टेलिंग यू वेयर टू फाइंड हिम। He is in that little cave under the rock. Oh, the man cub is mine. Give him to me. Mother Wolf sprang up quickly and said, the man cub is ours. You have frightened his family away. He shall not be killed. He shall live to run with the pack and hunt with pack. Sher Khan knew that he could not fight the two wolves in the cave. So, growling and snarling, he went away saying, we will see what the pig has to say about this man cub. When the tiger had gone, Father Wolf said, Sher Khan is right. What will the pig say? But Mother Wolf made up her mind to keep him, and they called him Mowgli the Frog because his skin was smooth and without hair. Mowgli stayed with the cubs. They asked Akela, the leader, if Mowgli could join their pack. The pack council met once a month at full moon. From outside the circle came a roar from Sher Khan. The man cub is mine. Give him to me. There is a law that says if there is a dispute as to the right of a cub to join the pack, two people must speak for him. Akela asked, who speaks for this cub? जंगल के नियम के अनुसार पैक में शामिल करने के लिए माता पिता के अतिरिक्त दो स्वतंत्र गवाही की आवश्यकता होती है, तभी उसे पैक में शामिल किया जा सकता है। बालू द वाइज ओल्ड बेयर हु टीचेस द कब्स द लॉ ऑफ द पैक स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड सेड, आई विल स्पीक फॉर द मैन कब, लेट हिम जॉइन द पैक एंड आई मायसेल्फ विल टीच हिम द लॉ एंड द वेज ऑफ द जंगल। वी नीड अनदर सेड अकेला, who speaks beside Balu? Bagheera, the black panther, the mighty hunter who teaches the cubs the skill of jungle said, I speak for the man cub. I will teach him the skills of the jungle. The wolves cried, let him join, let him join. Akela said, now take him away and teach him the law of the pack. And that is how Mowgli joined the old pack.
इस तरह भालू ने मोगली के लिए पहली गवाही दी। एक काला बघीरा भी वहां आ गया। उसने एक बैल के शिकार को पैक को भेंट करते हुए मोगली की गवाही दी। इस तरह मोगली पैक का सदस्य बना और शेर खां झल्लाता हुआ वहां से दुम दबाकर भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी को आपको अपने लॉगबुक पे लिखना है। कॉपी में इसको लिखेंगे और उसके साथ कुछ चित्र भी बना सकते हैं, शेर खान का, मोगली का, बघीरा का, बालू का, और अपने कॉपी को सुंदर करके रखेंगे। अब जंगल स्टोरी लिखने के बाद हम कॉपी में ये सब लिखेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कब लॉ। कब लॉ क्या होता है? द कब लॉ इज, ए कब इज ओबीडियंट, ए कब इज क्लीन एंड पोलाइट, उसके बाद दूसरे पेज में लिखेंगे द कब मोटो इज डू योर बेस्ट, कब प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, टू कीप द कब लॉ एंड टू डू ए गुड टर्न एवरी डे। द कब्स हैव ए स्पेशल ग्रीटिंग्स फॉर देयर कब मास्टर व्हेन दे वांट टू ग्रीट हिम एज ए पैक। द कब मास्टर कॉल्स पैक 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 एंड दिस कॉल इज एंसर्ड बाय अ शॉर्ट पैक फ्रॉम द कब्स एंड दे रश इन देयर सिक्सेस। As soon as they get around the cub master and are close to him, they link their hands together and pull back to form what is called parade circle. Standing in the center of the circle and facing the leader sixer, the cub master holds both his arms sideways and horizontally and palms downwards. This serves as a warning signal to the cubs. Next, he lowers both his arms in a firm and steady movement until they are against his sides. As his arms go down, so also do the cubs, till finally they are in a squatting position. It goes into the greeting without any further signal. This is done in the following order. The cubs say, "Akela, we'll do our best." And at the word best, they all spring to their feet, hands on either side of the head, with the first and the middle fingers of each hand pointed upwards. The leading sixer now says, "Deep, deep, deep, deep." At the fourth deep, every cub drops his left hand smartly to his side and all the cubs together say, "We'll dub, 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 dub." After the fourth dub, each cub drops his right hand smartly to his side and stand at the alert waiting for the cub master's orders. The cub master accepts the greeting in an appropriate manner, saying, "Thank you, cubs," or "Good hunting." The cub salute means to show respect to your leaders. We salute the flag to show respect to our country. Left hand shake. The cub handshake is a token of friendship. That is why it is made with the left hand. This is the hand nearest to the heart, the hand of friendship. बच्चों, आपके माता पिता घर में पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान जिस प्रकार भी करते हों, उनका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। अपने घर में माता पिता द्वारा सिखाई गई दैनिक प्रार्थना करना हर कब का परम कर्तव्य है। अतः आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता का अनुसरण करें और आपके घर में जो पूजा पाठ होती है वहाँ आप सीखेंगे और यहाँ पर आपका डेली प्रेयर लिखेंगे। फाइव नंबर, डू ए डेली गुड टर्न एट होम। घर पर भलाई का काम। आप सबको एक एक भलाई का कार्य करना जरूरी है। भलाई का कार्य उसे कहते हैं जो बिना किसी लोभ, लालच, इनाम, शाबाशी प्राप्त किए दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। भलाई का काम करते समय सुख का अनुभव होना चाहिए। ये सब काम आप कर सकते हैं और आप जो भी भलाई का कार्य करेंगे सबको इस लॉगबुक में यहाँ पर लिख के रखेंगे।
नंबर 6 बी एबल टू सिंग कप प्रेयर। आपको यह कप प्रेयर याद करना है और इसको अपने लॉगबुक पे लिख के रखना है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा पासिंग प्रवेश का, उसको यहाँ पे चिपकाना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रवेश रिक्वायरमेंट्स द रिक्रूट मेक्स द कप प्रॉमिस टू द कप मास्टर एंड इज इन्वेस्टेड एज ए कप। नाउ इट इज इन्वेस्टिचर सेरेमनी। नाउ प्रथम चरण सिलेबस, आपको इसको अपने लॉगबुक पे लिखना है। नंबर 1 नो हाउ टू कीप पर्सनल इफेक्ट्स। नंबर 2 लर्न टू प्रे बिफोर मील्स। नंबर 3 डू डेली गुट्टन एट होम एंड एट स्कूल। 4 डू नी बेंडिंग एंड टो टचिंग एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन गुड हेल्थ हैबिट्स। 5 प्रैक्टिस एनी 2 ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज। सिक्स मेक ए कलेक्शन ऑफ 5 डिफरेंट लीव्स एंड फ्लावर्स, पेस्ट एंड लेबल देम इन ए स्क्रैप बुक। बी एबल टू टेल द टाइम बाय क्लॉक। नो क्विपिंग, टाई रिप नॉट एंड क्लोव ईच एंड लर्न देयर यूजेस। डेमोन्स्ट्रेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, क्लाइंब अप ए ट्री और ए रोप, राइड ए बाइसाइकिल, राइट एड्रेस एंड एपिक स्टैम्प्स। What to do when the national flag is flown and the national anthem is sung or played? Find out the meaning of badge given at the time of investiture. Use a basic communication device. Be able to sing cup prayer, national anthem, BSG flag song. Be able to tell the jungle story up to kayak hunting. Know jungle dance. Attend at least 8 pack meetings. Tell the name, address and contact number of parents. Abhi pratham charan ka एक्टिविटी यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। नंबर 1 नेम द पर्सनल इफेक्ट्स गिवन हियर। आपके पास जो कपड़ा है, आप ड्रेस पहनते हैं या आपका कोई शूज होगा, उस सबको उसका फोटो यहाँ ड्राइंग कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। रेगुलर वॉशिंग एंड मेंटिंग कीप्स क्लॉथस क्लीन टाइडी एंड मेक्स देम लास्ट लॉन्गर। कीप योर क्लॉथस प्रॉपरली फोल्डेड। आप अपने सामान को किस तरह सुंदर करके रख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट गुड हेल्थ हैबिट्स, एग्जाम्पल टेक बाथ और शावर्स एवरी डे विथ सोप, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, इस तरह कुछ हेल्थ हैबिट्स आप लिखेंगे। पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स हियर। आप जो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका फोटो यहाँ चिपका सकते हैं। सी यू ए बटन ऑन शर्ट और पैंट एंड एफिक्स हियर। आस्क योर मदर और सिस्टर टू शो यू हाउ टू थ्रेड नीडल एंड मेंड स्मॉल टीयर्स एंड सीड लस्ट बटन्स। लर्न टू प्रे बिफोर मील्स, भोजन से पहले प्रार्थना। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन करने से पूर्व ईश्वर का ध्यान किया जाता है। जो भी भोजन होता है पहले ईश्वर को समर्पित किया जाता है। तो आप अपने घर में जो प्रेयर करते हैं खाना खाने से पहले उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हियर राइट सम गुड टर्न एट होम एंड एट स्कूल। गुड टर्न्स आर द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट आर बिग और स्मॉल, थॉटफुल थिंग्स विच गिव प्लीजर टू अदर्स। आप जो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे डेट है और उस कार्य का नाम इस तरह लिखेंगे, उसका एक डायरी बनाएंगे। हियर राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, नी बेंडिंग, टो टचिंग, write its importance. Number 5 name the physical activities, practice any 2. This is somersault, this is leapfrog activity.
This activity is hopping. This is skipping. Now say this activity. Yes, you are right. This is balance walk. This is throw and catch ball from 3 meters. Now collection. 5 different leaves. Make a collection of 5 different leaves, paste and label them. Now 5 different flowers. Collect and paste and label them. Telling time. घड़ी छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती है. हाथ की घड़ी, दीवार की घड़ी, टेबल घड़ी. घड़ी में एक डायल होता है, उस पर 1 से 12 तक संख्या बने होते हैं. उसमें 3 सुई होती है. तो इस तरह हम घड़ी को देख के पहचान सकते हैं और समय बता सकते हैं. घड़ी का कुछ गीत भी याद कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं कॉपी पे. जैसे टिक 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 मैं करती हूँ, कभी नहीं मैं थकती हूँ, समय बताना है मेरा काम, कभी नहीं लेती आराम. आप अपने कॉपी में इस तरह घड़ियों का चित्र लगा सकते हैं और वहाँ पे समय लिख सकते हैं. मेक योर सेल्फ ए मॉडल क्लॉक विथ हैंड्स दैट मूव. यू विल सून बी एन एक्सपर्ट इन टेलिंग टाइम. अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हिपिंग, रिफ नट और क्लोव हिच, ये आप प्रैक्टिस करके उसका फोटो लगा सकते हैं या उसको रस्सी में इस तरह बांध के यहाँ लगा सकते हैं और उसका यूज लिखेंगे. जैसे रिफ नट, इस गांठ का उपयोग चोट लगने पर पट्टी बांधने के काम आती है. 2 बराबर मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए एवं पार्सल बांधने के लिए काम आती है. यूज इट टू टाई बंडल्स टू फास्टन ए स्लिंग. दूसरा क्लोव हिच, हिच इज द नेम फॉर ए नट यूज फॉर फास्टनिंग ए रोप टू ए पोस्ट. यह खूंटा, छप्पर, पेड़ तथा कॉलर, कप, बैंडेज लगाने के काम आती है. 9. डेमोन्स्ट्रेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग टू द कप मास्टर. निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का प्रदर्शन करना है. ए, क्लाइंब अप ए ट्री और ए रोप. ये आपके कप मास्टर जब होंगे वो अगर बोलेंगे तो आप ये करेंगे, वरना आप पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे या कोई रोप पे भी नहीं चढ़ेंगे. बी, राइड ए बाईसाइकिल सेफली. रूल्स फॉर बाईसाइकिल सेफ्टी. ओबे ऑल ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स. राइड इन ए स्ट्रेट लाइन. डोंट डू स्टंट्स. बी अलर्ट फॉर अदर व्हीकल्स, स्पेशली फॉर कार्स. सी, राइट एड्रेस एंड एफिक स्टाम्प्स ऑन एन एनवेलप फॉर पोस्टिंग. आप एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना सीखेंगे और उसके ऊपर स्टाम्प कैसे लगाते हैं, कितने रुपए का स्टाम्प होता है, वो सब चिपकाएंगे और एक एक एनवेलप को आपके लॉगबुक के ऊपर चिपकाएंगे. व्हाट टू डू व्हेन द नेशनल फ्लैग इज फ्लोन एंड द नेशनल एंथम इज संग और प्लेड. जब भी राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा हो तो सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए. यदि आप कहीं से आ रहे हैं और राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है तो जहां हो वहीं सावधान की स्थिति में हो जाओ. झंडा फहराते समय जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो सभी को सावधान की स्थिति में रहना चाहिए. ई, राइट द मीनिंग ऑफ द बैज गिवन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिचर. ये बैज आपको दिया जाता है, इसका नाम है मेंबरशिप बैज. When a badge is awarded to a cub at the time of investiture, he becomes a regular member of the pack. He will have to obey the law and promise he has taken. F. Use of basic communication device like telephone, cell phone, web phone, internet. You have to write the use. Write cub prayer. यहाँ पे आप cub prayer लिखेंगे. पहले भी एक बार लिख चुके हैं, उसको और एक बार लिखेंगे. उसके बाद बी, नेशनल एंथम. यहाँ पे आप नेशनल एंथम लिखेंगे. सी, बीएसजी फ्लैग सॉन्ग या झंडा गीत. इसको याद करेंगे और याद करने के बाद इसको लॉगबुक पे सुंदर अक्षर में लिखेंगे.
Write jungle story up to cass hunting. इस कहानी को और आगे लिखेंगे. जंगल डांस, ड्रॉ एपिक्स पिक्चर. इसको आप कब मास्टर जी के साथ बाहर प्रैक्टिस करेंगे और उसका फोटो या उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं. ये बालू डांस और ये कार डांस, इसके बारे में पता करके लिखेंगे. ये देखिए कुछ बच्चे ये जंगल डांस कर रहे हैं. रिकॉर्ड ऑफ पैक मीटिंग्स अटेंडेड. आपको यहाँ पे लिखना है आप कितने पैक मीटिंग अटेंड किए हैं. इन दिस पेज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर फादर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मदर नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. देन पेस्ट योर प्रथम चरण सर्टिफिकेट हियर. प्रथम चरण लिखने के बाद अभी लिखेंगे द्वितीय चरण. यह है द्वितीय चरण सिलेबस. इसको देख लीजिए, बाद में इसके बारे में हम हर पेज में लिखेंगे. आपको द्वितीय चरण में यह सब करना है और अपने लॉग बुक पे लिखना है. नंबर वन, राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ योर लोकेलिटी. नंबर टू, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ गिवन थिंग्स एंड राइट हाउ टू केयर व्हाइल यूजिंग दीज ब्रिटल थिंग्स, शार्प थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स, हाउ टू केयर. तेज धार वाली या नुकीली चीज़ें जैसे छुरियाँ, कांटे, कटर, ब्लेड, चाकू, सुई, पेचकस आदि का सही तरह से उपयोग करके यथास्थान रख देना चाहिए. चाकू, ब्लेड आदि तेज धार वस्तुओं का प्रयोग इस प्रकार न करें कि आप उससे घायल हो जाएं. सभी वस्तुओं को साफ करके यथास्थान रख दें. मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग सावधानी से करें, उन्हें स्वच्छ रखें तथा प्रयोग करके उचित स्थान पर रख दें. मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स. यू कैन मेक टॉयज, पेंसिल स्टैंड, पिक्चर्स, वॉल हैंगिंग्स, फैन, हैंगर, डस्टबिन, मॉडल्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स. मिट्टी से भी हम बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, जैसे दवात, कलमदान, बच्चों की गाड़ी, अगरबत्ती स्टैंड, मोमबत्ती स्टैंड, रोटी सेंकना, गुलदस्ता, कुर्सी, मेज़. और इन सभी को बनाने के बाद उसका एक फ़ोटो यहाँ चिपका सकते हैं. ऑब्जर्व फ्लावर्स इन द गार्डन एंड मेक ए चार्ट फिक्सिंग 10 फ्लावर्स एंड 10 लीव्स इन ए चार्ट. यहाँ पे आप चिपकाएंगे 10 फ्लावर्स एंड 10 लीव्स. राइट How you will preserve things collected by you. Keep them clean so that these are not spoiled. Keep them properly in a box or in a showcase. इस तरह आप और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं.
Tie a seat band and a fisherman knot and sew their uses. Draw paste pictures or make by using thread, wool and affix your seat band and its uses. And here, fisherman's knot and its uses. उसका फोटो लगाएंगे और नीचे उनके बारे में लिखेंगे. फर्स्ट एड, व्हाट विल डू इन केस ऑफ स्मॉल कट, बर्न, स्क्रैचेस. गुड टर्न इन स्कूल लोकेलिटी. नेम ऑफ मेंबर्स, माय सिक्स, आपके जो कब्स होंगे आपके सिक्स में उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे. देन राइट गुड टर्न इन स्कूल लोकेलिटी. कब मास्टर जी के साथ आप जो जो भी काम किए वहाँ पे सब लिखेंगे. नाउ इट्स डेमोन्स्ट्रेशन. ए, मेंटेन योर बेड डेली फॉर एटलीस्ट ए मंथ. आप अपना बेड सजा के रखेंगे, कैसे करके साफ सुथरा रखेंगे वो आपके पेरेंट्स देख के यहाँ पे साइन करेंगे. बी, इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग. ये आप अपने कब मास्टर को बताएंगे तो कब मास्टर यहाँ पे साइन करेंगे. सी, सो सीड्स एंड ग्रो ए प्लांट. ग्रोथ में भी रिकॉर्डेड नेम ऑफ द प्लांट. देन वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स वीक. लेंथ, देन न्यू थिंग ऑब्जर्व. इसको आप भरेंगे और कितना लेंथ हुआ, कितना लंबा हुआ पेड़ यहाँ पे भरेंगे आप. और ये कर सकते हैं सी, प्रिपेयर ए बर्ड फीडर और ए फाउंटेन एंड मेंटेन इट फॉर 2 मंथ्स. इस तरह बर्ड फीडर बना के उसको मेंटेन करेंगे और फिर कब मास्टर उसको देखेंगे. डी, ड्रॉ और पेंट ए पिक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. जो ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पे उसको चिपकाएंगे और फिर बाद में उसको कब मास्टर जी साइन करेंगे. नंबर ई, ट्रिम फील लाइट एंड पुट ऑफ ए हरिकन लालटन लाइट ए कैंडल विथ मैस्टिक. और नो द यूज ऑफ एमरजेंसी लाइट एंड हाउ टू चार्ज इट. ड्रॉ और एफिक्स द पिक्चर्स ऑफ लालटन, कैंडल, मैच बॉक्स, एमरजेंसी लाइट. लालटन साफ करना, उसकी बत्ती काटना, उसमें तेल भरना, उसको जलाना व बुझाना आना चाहिए. नंबर एफ, रन फॉर 5 मिनट्स और साइकिल फॉर 3 मिनट्स. राइट रिपोर्ट फ्रॉम टू, टाइम ऑफ स्टार्ट, टाइम ऑफ रीच्ड डेस्टिनेशन. डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन, मैसेज गिवन. आपको यहाँ पे भरना है कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लगाए. और मैसेज के बारे में जो बोला गया है, आपको एक निश्चित रास्ते जाना होगा जिसकी सूचना आपको केवल पहले ही दी जाएगी. आपको जवानी संदेश दौड़कर 5 मिनट में या साइकिल से 3 मिनट में पहुँचना है. यह संदेश कम से कम 10 शब्दों का होना चाहिए. संदेश ले जाते समय निम्न बातों का ध्यान रखिए. संदेश को रास्ते में दोहराना ना भूलें. जब आप निश्चित स्थान पर पहुँच जाएँ तो आराम से धैर्यपूर्वक संदेश को दोहराएं या फिर सुनाएं. साइकिल 3 मिनट में अथवा दौड़कर 5 मिनट में आप कितना जा सकते हैं इसका अभ्यास करें. नंबर 10, पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 2 ऑल फेथ प्रेयर मीटिंग्स. सर्वधर्म प्रार्थना. इसका क्रम निम्न प्रकार से है, प्रातः स्मरण, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, रामधुन, जय बोलो, विभिन्न धर्मों की प्रार्थना, मौन प्रार्थना, विशल अवर कम हर देश में तू, शांति पाठ. सर्वधर्म प्रार्थना को याद कीजिए और अपने कॉपी में इसको लिखिए. इलेवन, किम्स गेम. हियर यू हैव टू राइट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गेम. किम्स गेम इज ए गेम इन विच ए सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी मेमोराइज. आपको बहुत सारे चीज़ दिखाया जाएगा, आप उन चीज़ों को याद करेंगे
और बिना देखे उनका नाम अपने कॉब मास्टर को बोलेंगे। बगीरा डांस, पार्टिसिपेट इन बगीरा डांस एंड पेस्ट सम फोटोज एंड राइट द सॉन्ग हियर। थ्री आर्स ऑफ कंजर्वेशन, RRR, रिड्यूस रीयूज रीसाइकल, उसके बारे में आप कॉपी में लिखेंगे। ट्रेल रिपोर्ट, नॉट लेस देन हाफ ए किलोमीटर एंड नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर। राइट द डेट प्लेस फ्रॉम टू। रिपोर्ट, आपको आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक चलना है और वहाँ पे स्काउट के बहुत सारे चिन्ह होंगे, निशान होंगे, उस निशान को देखकर आपको आगे बढ़ना है। तो कम से कम 8 पैक मीटिंग में भाग लेंगे और यहाँ पे डेट और प्लेस लिखेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा द्वितीय चरण का और उसको अपने लॉग बुक पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तृतीय चरण के बारे में लिखेंगे। उससे पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। नंबर 1, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट ए यूजफुल हैंडीक्राफ्ट प्रेफरेबली फॉर ए डिफरेंटली एबल पर्सन इन द लोकेलिटी। एफिक्स इट्स पिक्चर एंड राइट नेम। देन 8 principal points ऑफ कॉम्पास, राइट ऑल 8 direction ऑन गिवन कॉम्पास। एक चित्र बना के उसका डायरेक्शन लिखेंगे। माई विलेज टाउन, राइट योर विलेज नेम और टाउन नेम। राइट द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दीज प्लेसेस। फर्स्ट एड, व्हाट विल डू इन केस ऑफ स्प्रेंस स्टिंग्स, हाउ टू क्लीन ए वुंड, यू हैव टू राइट द डिटेल इन दिस पेज। गुड डन एक्टिविटी इन ए पब्लिक प्लेस, राइट द रिपोर्ट डेट प्लेस एंड पेस्ट सम फोटोज हियर। यू कैन सी द एग्जाम्पल। Participation in sense games, at least 3 sense training games, you have to participate and write how to play। जैसे आप कुछ खेल खेल सकते हो, सूंघो और बताओ, देखो और बताओ, छुओ और बताओ, चखो और बताओ, इस तरह खेल आप खेल सकते हैं। Go on a day hike with your pack, then write hike report, date, place visited, Distance covered। स्काउटिंग में आउटिंग बहुत मज़ा लगता है। घर से बाहर प्रकृति के बीच में जाकर आपको मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगे और खेल ही खेल में आपकी परीक्षा भी होगी। Habits of cleanliness, help a younger child in habits of cleanliness। Write a report, name of the child, serial number, rules of health, देन डेट। आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं स्वच्छ रहें और अपने छोटों से स्वच्छ रहने के लिए कहें, इसलिए हमारे कब्स को चाहिए कि वे अपने से छोटे बच्चों को स्वच्छ रहने की आदत डालें। यहाँ पे जैसे लिखा है यूज़ द टॉयलेट वॉश हैंड्स, अगर एक बच्चा ये किया यूज़ द टॉयलेट एंड वॉश हैंड्स तो आप उस डेट में यस लिखेंगे। इस तरह बाकी एक्टिविटी भी आप उनसे करवाएंगे।
और अगर वो करेंगे तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर वो नहीं किए तो आप नो लिखेंगे, और आप उनको बोलेंगे कि वो अच्छे से सब करेंगे और ताकि आप वहाँ पे यस लिख सकें। कोई भी एक छोटा बच्चा को आप यह सब सिखाएंगे। सोशल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ रिपोर्ट। एक्टिविटी ए, नो हाउ टू वेलकम एंड रिसीव ए गेस्ट इन ए सोशल वे, राइट द रिपोर्ट हियर। बी, प्रिपेयर एंड सर्व कोल्ड और हॉट ड्रिंक, राइट रिपोर्ट। देन सी, प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर स्पेशल ओकेजन एंड एफिक्स द ग्रीटिंग्स कार्ड हियर और इन द लेफ्ट हैंड साइड। 10, क्वालिफाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसी बैजेस। ए, ऑब्जर्वर, इनमें से किसी एक के बारे में आप प्रोफिशिएंसी बैज बनाएंगे। ट्रेन योरसेल्फ टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर, गेट इनटू द हैबिट ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू द एनवायरनमेंट। टीम प्लेयर, प्ले योर पार्ट इन द टीम, मे इट बी ए सिंगल रिले रेस और एन ऑर्गेनाइज्ड गेम लाइक फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी एट्सेट्रा। सी, होमक्राफ्ट, नो हाउ टू मेक थिंग्स विथ टूल्स। एंटरटेनर, प्रोड्यूस आइटम्स अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट। गाइड, हेल्प अदर पीपल, हेल्पिंग ए चाइल्ड और एन ओल्ड पर्सन। कंप्यूटर अवेयरनेस, हैव नॉलेज ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस। इस तरह आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ बैच, ग्रुप, सिलेबस, रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन। ये पोस्ट सिक्स काउंसिल का एक सर्टिफिकेट है, ये प्रोफिशिएंसी बैच सर्टिफिकेट। आप उनमें से जब एक को पास करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। 11, नो द वुडक्राफ्ट साइन एंड ट्रैफिक साइंस। इस तरह कुछ साइंस आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और कॉपी में इस तरह ड्राइंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये भी देखिए, सम ट्रैफिक साइंस, ट्रेल साइंस। नो द रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी एज ए पेडेस्ट्रियन एंड ए साइक्लिस्ट, राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स। तबाकी डांस, आप तबाकी डांस करेंगे, उसका फोटो यहाँ चिपका सकते हैं और वहाँ पे जो गाना गाएंगे उस गाने को यहाँ लिखेंगे। रिकॉर्ड ऑफ पैक मीटिंग्स अटेंडेड, डेट, प्लेस। सर्टिफिकेट ऑफ तृतीय चरण एफिक्स, तृतीय चरण के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको यहाँ पे चिपकाएंगे। चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण सिलेबस, इसको देख लीजिए। चतुर्थ चरण में आपको क्या क्या करना है। Observe a pet, bird or animal and take care of it at least for 3 months.
Your pet may be a dog, cat, rabbit or parrot. Pets need a clean place to live. Right here, how to care. Report of pack camp, overnight. आप पैक कैंप जब करेंगे उसका डेट, प्लेस, नेम ऑफ LOC एंड एक्टिविटीज डन यहाँ पे आप लिखेंगे. पैक एक्सपेडिशन. एन एक्सपेडिशन इज ए जर्नी फॉर ए स्पेशल पर्पज सच एज डिस्कवरी, कलेक्टिंग न्यू प्लांट्स. मेक सच जर्नी पर्पजफुल. रिपोर्ट, डेट, प्लेस, कहाँ पे आप गए उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. Prepare knots by using thread, wool and affixer and write uses. Bow line, a round turn and two half hitches. उसको बनाएंगे और यहाँ पे चिपकाएंगे. Information of own saving bank account. एक bank account आप खोल के उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, जैसे name of the bank, account number, IFSC कोड. और प्लांट द सैपलिंग एंड ऑब्जर्व इट एंड राइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मंथ वाइज. पार्टिसिपेशन इन ए रिलीजियस फंक्शन. नेम ऑफ फंक्शन, प्लेस, डेट, एक्सपीरियंस. इन आवर कंट्री देर आर सेवरल रिलीजियस फंक्शंस सच एज दशहरा, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक बर्थडे. You should try to participate in the religious function in your community. Learn something about their customs. Take an active part in the work of the place of worship. Qualify for one of the following proficiency badges not earned earlier. World conservation, that means to know the importance of conserving our natural resources and using them properly. Then first aider. Know the simple rules of first aid. Be able to treat the cases like burns, scabs, cuts, scratches, shocks. Be able to clean a wound and treat it. Then cyclist. Bicycling is fun. It is good for you and it is interesting. But cycling can be dangerous if you are not careful. So know the rule first. Then gardener. You will find a great deal of fun to have a garden. Either vegetables or flowers. Growing seeds does not mean gardening, but a gardener must know. He should know about the soil, its fertility and kinds of soil, good quality of seeds, water them properly, know how to protect plants from animals and insects, etc. Then E, write about bookbinder. F, heritage. G, pray being me. Addresses of 5 scouts in the locality. Name of scouts and their address. 5 scouts बच्चों का आप उनको नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है. Write paragraphs about 2 national heroes, freedom fighters. Write their names, photos and write something about them. Participate in Free Being Me project of WAGGGS. What is Free Being Me? Read the paragraph. Free Being Me is an educational program that promotes body confidence and a world free from appearance-related anxiety. What is the World Association of Girl Guide and Girl Scout? This is vision and mission. Take a project under Free Being Me and write your report. Date, project, brief summary, result. Gain knowledge and practice simple yoga in daily life. Paste some photos and write about them. Affix pictures of some simple yoga asanas. Write the name of asanas. Read and know Old Cups Handbook. Bite 1, then Old Cups Handbook Bite 2. Read about them and write.
know the Sher Khan death dance. Mowgli's hunting, kill Sher Khan, kill Sher Khan. Skin the kettle eater, ra ra ra, ra. Record of pack meetings attended. Attend at least 8 pack meetings and write date, place. This is the test card of Chaturtha Charan testing camp. Qualify any one of the proficiency badge. Area of assessment. Here areas are there. You have to qualify. This is the list of proficiency badges. You have to earn remaining proficiency badges. Here paste your certificate of Chaturtha Charan. Golden Arrow Badge. A Chaturtha Charan cub having earned totally 6 proficiency badges, 1 badge each in Tritiya Charan and Chaturtha Charan. Remaining 4 badges to be earned from the proficiency badge groups not earned earlier. He may be awarded a special badge called Golden Arrow before completing 10 years of age. तो बच्चों इस तरह लॉग बुक बनाएंगे और अपने लॉग बुक को बहुत सुंदर करके रखेंगे और उसके साथ देश के प्रति कर्तव्य और सब नियम का पालन करना और दूसरों की सेवा करना कभी मत भूलिए. Do your best.